वेलकम भाई, आप सभी का स्वागत है इस इंग्लिश व आरुष यादव यूट्यूब चैनल पे, और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो जल्दी से मेरे भाई एक बार जुड़ने का काम करेंगे, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। चलिए मेरे भाई एक बार जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए मेरे भाई, चलिए जी, अजय मेरे भाई, तो बेसिकली आज की जो क्लास है हमारी, ठीक है जी, आज की जो क्लास है हमारी, इसके अंदर हम जो आगे का मॉक टेस्ट जो हमारा रह गया था, बेसिकली उसे हमें डील करना है, ठीक है जी। तो हमने कल की क्लास यानी जो लास्ट क्लास हुई थी बेसिकली, उसके अंदर बेसिकली दो मॉक टेस्ट डील करने थे। बेसिकली एक हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना, एक हमने कंप्लीट कर लिया था, उसके आगे का आज हमें डील करना है, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भाई, मैं एक बात ये आपको पता ही है कि बेसिकली ये जो क्लासेस यूट्यूब चैनल पर कंडक्ट की जाती है, बेसिकली बेनिफिशियल है हर एक वनडे एग्जाम के लिए, ठीक है जी। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC का CGL हो, CHSL हो, MTS हो, CPO हो, या फिर कोई अदर वनडे एग्जाम है, उसके लिए भी ये क्लासेस कहीं ना कहीं क्या रहेंगे मेरे भाई, बेनिफिशियल रहेंगे। चलिए अब उसी से आगे बढ़ने का काम करते हैं, ठीक है जी। तो ये वाला जो सेट था अपना ये अपने सॉल्व कर लिया था, इसी से आगे का जो सेट है उसे हमें डील करना है, ठीक है जी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 से एक बार देखने का काम करेंगे मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 से एक बार देखने का काम करेंगे और बताइए मेरे भाई। चलिए, यहाँ पे बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपसे जो पूछा गया है बेसिकली, इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको अरेंजमेंट करनी है, ठीक है जी। इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको अरेंजमेंट करनी है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। तो बेसिकली क्या कहता है, एक बार पढ़ने का काम करेंगे। यहाँ पे कहता है, फ्रॉम आउटर एंट्रेंस इटसेल्फ ही हैड नोटिस्ड दैट देयर वाज नो वन इनसाइड, ठीक है जी, अंदर कोई भी नहीं था। And it was quite dark by the time Raman turned into the lane and reached to the temple. On the entering the main temple, he prostrated before the goddess, got up, then sat directly front of the idol. However, an oil lamp which was burning before the idol, Kali Ma, lit up the place, and he could go up the steps. तो बच्चे यहाँ पे अगर आप समझने का काम करेंगे तो मेरे भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो बेसिकली यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं बी के बाद भाई ए का कॉम्बिनेशन है, ठीक है जी। बी के बाद किसका कॉम्बिनेशन है बच्चे, बी के बाद बेसिकली ए का कॉम्बिनेशन है, यानी बी के बाद क्या आएगा जी, बी के बाद ए आएगा, और सी के बाद क्या नाम है, डी के बाद सी आएगा, ठीक है जी। डी के बाद क्या आएगा जी, डी के बाद सी आएगा, ठीक है जी। यानी भैया बी ए डी सी, ठीक है, ये अपना करेक्ट सीक्वेंस बनता है, ठीक है जी, ये अपना करेक्ट सीक्वेंस बनता है। तो मेरे भाई यहां से आपका ए गलत है, बी गलत है, करेक्ट आंसर आपका सी फॉर चाइना है, ठीक है जी। करेक्ट आंसर क्या हुआ मेरे भाई, करेक्ट आंसर आपका सी फॉर चाइना है, सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए मेरे भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ने का काम करते हैं। अगला दे रखा है मेडल। इस मेडल का आपको कहीं ना कहीं क्या बताना है जी, एंटोनियम बताना है, ठीक है जी। इस मेडल का आपको कहीं ना कहीं क्या बताना है मेरे भाई, इसका आपको एंटोनियम बताना है क्या होगा, इग्नोर होगा, प्राइस होगा, फोर्टिफाई होगा, या फिर सपोर्ट। चलिए इस मेडल का आपको बताना मेरे भाई क्या होगा। तो यहाँ पे अगर प्राइस देखेंगे तो प्राइस कायदे से गलत है, 45 भी आपका कहीं ना कहीं गलत होगा जी, सपोर्ट गलत है, करेक्ट आंसर है इसका एंटोनियम इग्नोर, ठीक है जी। करेक्ट इसका एंटोनियम क्या होगा मेरे भाई, करेक्ट एंटोनियम इसका इग्नोर होगा, यानी ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो आप ए फॉर एप्पल पे टिक करना चाहेंगे। नेक्स्ट देखिए मेरे भाई अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है बेसिकली, ये कहीं ना कहीं एक्टिव पैसिव से पूछा गया सवाल है, ठीक है जी।
ये सेंटेंस अपने आप में एक्टिव पैसिव से पूछा गया है. वी हैव चूजन द कलर ऑफ द न्यू कार वी वॉन्ट टू बाय. बताइए चलिए जी बताइए. यहां पे अगर आप देखेंगे मेरे भाई तो क्या दे रखा है, वी हैव चूजन, तो भैया हैव दे रखा है. अब आपको पता है हैज और हैव का या फिर हैड का जब भी आप पैसिव बनाते हो तो भैया इनके बाद बेसिकली आपको बीन लगाना होता है. ठीक है जी, हैज का पैसिव या हैड का पैसिव आपको बनाना है तो हैड हैव हैज बीन हो जाएगा बेसिकली. तो देखिए भैया किस किस में दे रखा, पहला देखा आपने सर इज लगा दिया, गलत हुआ जी. दूसरा भाई देखा आपने हेड लगा दिया बच्चे, ये भी कहीं ना कहीं गलत हुआ क्योंकि यहाँ पे हैव दे रखा है. ठीक है जी, आगे कैन दे दिया, गलत है जी. करेक्ट आंसर आपका डी फॉर दिल्ली है. ठीक है जी, करेक्ट आंसर क्या है जी, करेक्ट आंसर आपका डी फॉर दिल्ली है. डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है मेरे भाई, तो आप डी फॉर दिल्ली पे टिक करेंगे. ठीक है जी, डी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए जी क्वेश्चन नंबर फोर. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर. द स्ट्रॉन्ग इंडियन बैटिंग लाइन अप विल दैस अ बिग वरी फॉर द विजिटिंग क्रिकेटर टीम. तो भैया पोज होगा, पिक होगा, प्लेस होगा या फिर पुट होगा, फिल इन द ब्लैंक का सवाल है. चलिए बताइए. तो मेरे भाई यहां पे पुट का कोई सेंस नहीं होगा. पुट आ बिग बरी, बिल्कुल गलत हुआ जी. प्लेस आ बिग बरी, पिक आ बिग बरी, गलत होगा जी. पोज आ, ठीक है जी, पोज करेगा. पोज आ बिग बरी फॉर द विजिटिंग क्रिकेटर टीम. ठीक है जी, यानी करेक्ट आंसर अपना ए फॉर एप्पल है. ठीक है जी, करेक्ट आंसर क्या है मेरे भाई, करेक्ट आंसर आपका ए फॉर एप्पल है. ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फोर. नेक्स्ट देखिए मेरे भाई, अगला सवाल बेसिकली इन्हें आप क्लोज टेस्ट के नाम से जानते हैं. ठीक है जी, किसके नाम से जानते हैं बच्चे हमें, हम इन्हें क्लोज टेस्ट के नाम से कहीं ना कहीं जानते हैं. तो कहता है भाई, द फ्लाइट वॉज पिक्ड देयर वर डैश पेरेंट्स विद 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 स्मॉल चिल्ड्रन एंड स्पेसिफिकली अ 3 years ओल्ड बॉय डैश रो इन द फ्रंट ऑफ मी डैश अनाउंसिंग हिज प्रेजेंस बाय द लेटिंग देयर द ईयर. ठीक है जी, आगे आपने देखा भाई, आगे सेकंड आई सेटल डैश होपिंग द किड वुड काम डाउन. खुद मिलाकर देखेंगे तो यहाँ पे समझ में आता है कि बेसिकली एक फ्लाइट की बात की जा रही है जिसके अंदर ये बेसिकली बैठने की बात कर रहा है, वहां पे एक बच्चा भी था जनरली. ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो भाई पहले के लिए दे रखा है मोस्ट, ऑल, सर्वल या फिर एनी. तो बच्चे यहाँ पे अगर आप देखने का काम करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखने का काम करेंगे तो देयर वर डैश पेरेंट, तो भैया बहुत सारे पेरेंट्स थे यहाँ पे. तो भाई मोस्ट पेरेंट्स गलत हुआ जी, ऑल पेरेंट्स गलत हुआ, एनी पेरेंट्स गलत हुआ, सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर है. ठीक है जी, करेक्ट आंसर क्या हुआ भाई, सी फॉर चाइना कहना करेक्ट आंसर होगा. पेरेंट्स विद स्मॉल चिल्ड्रन स्पेसिफिकली आ 3 years ओल्ड बॉय, एक 3 साल का लड़का था, 3 साल का लड़का था. इन द रो होगा या फिर इनसाइड द रो, ओवर द रो, एट द रो. तो भैया आपको पता है भैया एट द रो बिल्कुल गलत हुआ. ठीक है जी, आगे ओवर द रो के ऊपर थोड़ी होगा मेरे भाई, इनसाइड भी गलत होगा, तो इन द रो कहना सेंसिबल होगा. ठीक है जी, किसमें था बेसिकली, इन द रो. ठीक है जी, इन द रो इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ मी डैश डैश अनाउंसिंग हिज प्रेजेंस. अब यहाँ पे भाई डैश ये जो है बेसिकली किसके लिए लगाया गया है, तो आप कहेंगे सर ये जो बात की जा रही है कहीं ना कहीं ये जो बात की जा रही है उस छोटे से लड़के की बात की जा रही है, उस बच्चे की बात की जा रही है, यानी कि भाई ये कहीं ना कहीं आपका सब्जेक्ट है इस हेल्पिंग वर्ब का. ठीक है जी, तो आर गलत हुआ, हेड गलत हुआ, वर आ नहीं सकता, सिंगुलर चाहिए था, तो हमें डी फॉर दिल्ली ही टिक करना होगा. ठीक है जी, क्या टिक करना होगा मेरे भाई, आपको डी फॉर दिल्ली पे टिक करना होगा. आगे बढ़ने का काम करेंगे, आगे दे रखा है डैश अनाउंसिंग हिज प्रेजेंस बाय द लेटिंग डैश ईयर. ठीक है जी, यहाँ पे अक्रॉस, लीव, लूज या फिर अवे डैश, बताइए यहाँ पे क्या आएगा भाई. अक्रॉस का तो कोई मीनिंग सेंसिबल नहीं होता. ठीक है जी, अक्रॉस का तो मीनिंग कोई सेंसिबल नहीं होता और ना ही लीव का सेंसिबल होता, तो मेरे भाई यहाँ पे लूज ईयर कहना सेंसिबल होगा. ठीक है जी, लूज ईयर यानी सी करेक्ट आंसर है इसका. ठीक है जी, सी करेक्ट आंसर है इसका. आगे आप देखना, एवरी 45 सेकंड, एवरी 45 सेकंड आई सेटल डैश होपिंग इट किड विड काम डाउन. मतलब वो शोर मचा रहा था तो ये होप कर रहा था कि भैया मैं वहीं पे बैठ जा रहा हूँ, कुछ देर बाद क्या होगा, ये जो बच्चा है अपने आप शांत हो जाएगा, अपने आप बच्चा क्या होगा जी, शांत हो जाएगा. तो आपको पता है कहीं पे बैठना या विराजमान होने को हम सेटल डाउन बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा जी,
डाउन, आई सेटल्ड डाउन कहना सेंसिबल होगा, सेटल्ड आउट भाई बिल्कुल गलत हुआ जी, अप गलत हुआ, ऑन गलत हुआ, सेटल्ड डाउन कहना सेंसिबल हुआ, ठीक है जी। करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका, सेटल्ड डाउन कहना सेंसिबल होगा। आगे बढ़ने का काम करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ने का काम करते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बेसिकली इसके अंदर आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है, ठीक है जी। इसके अंदर आपको क्या बताना है मेरे भाई, इसके अंदर आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है। कहता है दिस फर्नीचर हैज बीन टेकन ऑन हायर फॉर द फंक्शन इन द कॉलेज, बताइए किस पार्ट में आप एरर को मार्क करना चाहेंगे मेरे भाई, बताइए बच्चे। यहां पे अगर आप ध्यान से समझने का काम करेंगे तो यहां पे लिखा है दिस फर्नीचर्स, क्या दे रखा है जी, फर्नीचर्स। आपको पता है भाई देयर आर सम अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं उनको कभी भी हम सिंगुलर से क्या नहीं बना सकते, उनका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जाता। तो फर्नीचर भी अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है, फर्नीचर भी अपने आप में क्या है जी, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ भाई हैज या है बिल्कुल ठीक हैज आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे फर्नीचर्स कहना कायदे से सही नहीं होगा। तो जो आपकी एरर है वो कहीं ना कहीं डी पार्ट में होगी, ठीक है जी। एरर है कहां पे होगी बच्चे, एरर है आपकी डी पार्ट में, यानी कि भाई फर्नीचर कहना सेंसिबल होगा, फर्नीचर्स कहना कायदे से सही नहीं है। आगे बढ़ने का काम करते हैं, आगे देखिए और बताइए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए और बताइए जी। आई हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जाम एंड एम रेडी टू आंसर एनी क्वेश्चन, बताइए क्या होगा यहां पे। आई हैव प्रिपेयर्ड या फिर प्रिपेयरिंग या फिर नो इंप्रूवमेंट या फिर बिल प्रिपेयर्ड या फिर मे प्रिपेयर, बच्चे यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे प्रिपेयर लिखा है, तो इससे पहले कोई बी की फॉर्म आनी चाहिए थी, यानी इज एम आर, तो भैया ये ऑप्शन आपका हट जाता है। बिल के बाद सीधा थर्ड फॉर्म नहीं आ सकता, पैसिव वॉइस होता तो आता, ठीक है जी। मे का कोई यूज नहीं है, तो भैया यहां पे आई हैव प्रिपेयर्ड कहना सेंसिबल होगा, यानी कि आप नो इंप्रूवमेंट टिक करना चाहेंगे, ठीक है जी। आप क्या टिक करना चाहेंगे मेरे भाई, आप नो इंप्रूवमेंट टिक करना चाहेंगे, तो भैया इसका करेक्ट आंसर बी फोर बॉम्बे है, ठीक है जी। करेक्ट आंसर क्या हुआ मेरे भाई, करेक्ट आंसर आपका कहीं ना कहीं बी फोर बॉम्बे होगा, तो आप नो इंप्रूवमेंट टिक करना चाहेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बेसिकली भाई एंटोनियम सिनोनियम, सिनोनियम बताना है आपको कोब का, ठीक है जी। इस वर्ड का आपको कहीं ना कहीं सिनोनियम बताना है, चलिए जी। इस वर्ड का आपको क्या बताना है मेरे भाई, इस वर्ड का आपको सिनोनियम बताना है, हॉलो होगा, पिट होगा, क्रेटर होगा या वे होगा, चलिए जी। चलिए मेरे भाई, तो मेरे भाई यहां पे अगर आप देखेंगे तो हॉलो इसका सिनोनियम बिल्कुल नहीं हो सकता, पिट बिल्कुल गलत है जी, गलत है। करेक्ट आंसर होगा इसका वे, ठीक है जी। करेक्ट आंसर क्या है मेरे भाई, करेक्ट इसका सिनोनियम वे होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो यह कवर्ड पार्ट ऑफ द कोस्ट एंड पार्टली सराउंडेड एन एरिया ऑफ वाटर, यानी कि कोई एरिया है जिसको वाटर से सराउंड किया गया है, यानी घिरा हुआ एरिया है पानी से, ठीक है जी, पानी से घिरा हुआ एरिया है बेसिकली। आगे बढ़ने का काम करते हैं, अगला देखिए भाई, अगला देखिए आपको इनमें से आपको करेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना है, ठीक है जी। इनमें से आपको करेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना है जी, क्या होगा करेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताइए जी। तो बच्चे इंसेक्ट का स्पेलिंग अगर आपने देखा तो इंसेक्ट का स्पेलिंग कायदे से गलत है जी, बिस्किट बिल्कुल गलत है जी, एग्रेसिव ये भी गलत है क्योंकि डबल एस आता है, ठीक है जी। तो भैया करेक्ट आंसर आपका यही है, तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है जी, ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी, ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए और बताइए। गवर्नमेंट वाई अ किंग और क्वीन, यानी कि एक गवर्नमेंट चलाई जाती है एक किंग के द्वारा या फिर एक क्वीन के द्वारा, बताइए मेरे भाई। चलिए क्या कहा जाता उसे, तो भाई ये आपका गलत है आंसर, बेसिकली उसे मोनार्ची यानी सी करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि एक राजा या फिर एक रानी चलाने का काम करते हैं, ठीक है जी, तो मोनार्ची कहा जाता है उसे, यानी कि सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए अगला देखिए मेरे भाई, यहाँ पे बेसिकली क्या बताना है जी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है, ठीक है जी। आपको यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है जी, क्या होगा। बेसिकली कहता है जी, आ वर्टिकल पैसेज वे इनटू अ माइन, क्या कहा जाता है उसे, अ वर्टिकल पैसेज वे इनटू अ माइन। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि भाई एक कंप्लीट वीडियो आपके लिए तैयार किया जा रहा है जो कि कंप्लीट टॉपिक का है, ठीक है जी, कंप्लीट टॉपिक का, एक प्रोनाउन का
लेक्चर आपका रिकॉर्ड किया गया है और जल्दी ही इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको प्रोनाउन बिल्कुल बेसिक से सीखना है तो एक वन शॉट वीडियो आने वाला है लगभग 3 से 4 घंटे का, आप उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। अगर आप उस वीडियो को जरूर देख रहे हैं तो आपको दोबारा कभी भी प्रोनाउन को मतलब देखने की जरूरत नहीं है, आपको प्रोनाउन के कोई भी अदर क्लास लेने की जरूरत नहीं है, तो उस क्लास को भी आप जरूर देखें, जल्दी ही अपलोड किया जाएगा वो इसी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना। तो कंप्लीट प्रोनाउन का हम लेक्चर को यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाले मतलब डालने वाले हैं बेसिकली। अगर आप उसे देख लेंगे, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है उस पर, तो सारे टॉपिक की ऐसे कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, बेशक थोड़ी सी हो जाए मतलब लॉन्ग वीडियो हो जाए, लेकिन हम कंप्लीट टॉपिक की आगे से बनाएंगे अगर उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो, ठीक है जी। चलिए फिलहाल के लिए बताइए, वर्टिकल पैसेज बे इनटू अ माइन क्या होता है इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बताइए मेरे भाई। तो मेरे भाई यहां पे कैनल बिल्कुल गलत है जी, एसएल बिल्कुल लॉबी गलत है भाई, करेक्ट आंसर आपका सेफ्ट है, ठीक है जी। यानी करेक्ट आंसर आपका क्या है मेरे भाई, बी फोर बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। करेक्ट आंसर क्या होगा जी, बी फोर बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए मेरे भाई, अगला देखिए, अगला भैया यहाँ पे बेसिकली आपको फिल इन द ब्लैंक बताना है, ठीक है जी। द मिनिस्टर सेड द एनीवन यूजिंग अ ड्रोन्स विल हैव टू रजिस्टर देम ऑन एन डैश पोर्टल। बताइए अब यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे कि आपको पता है आज के टाइम में ड्रोन बहुत ज्यादा उड़ाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ड्रोन उड़ाए जाते हैं तो उनके लिए ना एक स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है ना। ड्रोन उड़ाने के लिए एक स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ता है, तो भैया एयरलाइन कहना गलत हुआ जी, एयरपोर्ट गलत है जी, एरोप्लेन गलत है, एविएशन कहना सेंसिबल होगा, ठीक है जी। एविएशन कहना सेंसिबल होगा, इसका मतलब होता है एक तरीके से लाइसेंस, एक तरीके से ड्रोन उड़ाने का, ठीक है जी। यहाँ पे दे रखा है देखो, एविएशन द एक्टिविटी ऑफ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट ऑफ द डिजाइनिंग प्रोड्यूसिंग द कीप देम इन अ कंडीशन, एक कंडीशन रखी जाती है, ठीक है ना। तो मतलब एक तरीके से लाइसेंस आप इसे मान सकते हो। आगे बढ़ने का काम करते हैं भाई, आगे देखिए भाई, इनमें से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको। अगला देखिए मेरे भाई, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको। कहता है जी यहाँ पे पिटी या फिर सर्टेनिटी या फिर नोटोरिटी या फिर विजुअलिटी, क्या होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए बताइए मेरे भाई। तो भाई यहाँ पे विजुअबिलिटी बिल्कुल गलत है जी, करेक्ट स्पेलिंग ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो करेक्ट स्पेलिंग आपका ए फॉर एप्पल है, ठीक है जी। करेक्ट स्पेलिंग क्या है मेरे भाई, करेक्ट स्पेलिंग आपका ए फॉर एप्पल है, यानी करेक्ट आंसर ए फॉर एप्पल है। नेक्स्ट बढ़ने का काम करते हैं जी, अगले सवाल की तरफ। अगला देखिए मेरे भाई, यहाँ पे नरेशन का सवाल है कहीं ना कहीं, ठीक है जी। यहाँ पे का सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, यानी ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस आपके सामने दे रखा है बेसिकली इनडायरेक्ट है, इसका आपको डायरेक्ट ढूंढना है, ठीक है। ये जो सेंटेंस है कहीं ना कहीं क्या है मेरे भाई, इनडायरेक्ट सेंटेंस है और आपको इसका डायरेक्ट ढूंढना है। कहता धीरज सेड दैट ही हैड बीन टू गोवा प्रीवियस ईयर आल्सो। अब भाई प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है भाई, पिछले साल, ठीक है जी। तो भैया लास्ट ईयर आपको ढूंढना है, तो लास्ट ईयर इसमें दे रखा है जी, इसमें नहीं दे रखा, इसमें नहीं दे रखा और इसमें दे रखा है, ठीक है जी। दो में बेसिकली लास्ट ईयर दे रखा है, ठीक है जी, दो में बेसिकली लास्ट ईयर दे रखा है। अब देखिए मेरे भाई किस किस का करेक्ट आंसर है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बेंट दे रखा है, और बेंट का हेड गोन होता तो हेड गोन तो दे नहीं रखा यहाँ पे, तो ये भी कायदे से आपका सही नहीं है। तो हैव बीन होगा, हैज हैव को हम हेड में चेंज करते हैं, यानी डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है जी, डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल देखिए और बताइए। कहता सिद्धार्थ, ठीक है जी, सिद्धार्थ वॉन्ट टू बिकम अ फुटबॉल प्लेयर बट नीड्स टू प्रैक्टिस मोर, ठीक है जी। यहाँ पे आपको बेसिकली इंप्रूवमेंट बतानी है जी, क्या इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है जी। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट करनी है, बताइए मेरे भाई क्या इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं। चलिए जी, तो बच्चे यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझने का काम करेंगे तो जब भी कोई सब्जेक्ट है उसके बाद आप दो कंडीशन रखने का काम कर सकते हैं, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप एस या ई एस लगाएं, ठीक है जी। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो सीधा आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं। अगला भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यानी कि आप सेकंड फॉर्म लगाने का काम करें, तो दो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड होती है, इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता, ठीक है जी, इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता। सो सिद्धार्थ अपने आप में, सिद्धार्थ अपने आप में जी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे भाई बात समझ में आती है, या तो वॉन्ट्स करो या फिर आप वॉन्टेड करो, ठीक है जी, या तो आप वॉन्ट्स करो या फिर आप वॉन्टेड करो। तो भैया नो इंप्रूवमेंट तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो ए फॉर एप्पल अपना लिस्ट से बाहर हो जाता है। आगे अगर आप देखने का काम करेंगे तो यहाँ पे वॉन्टेड बीकमिंग लिख रखा है, तो भैया बीकमिंग कहना गलत हुआ, तो करेक्ट आंसर आपका सी फॉर चाइना है, ठीक है जी। करेक्ट आंसर क्या है मेरे भाई, करेक्ट आंसर आपका सी फॉर चाइना होगा। चलिए जी आगे बढ़ने का काम करते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए और बताइए क्या आंसर आप मार्क करना चाहेंगे। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। बेसिकली आपको यहां पे कहीं ना कहीं अरेंजमेंट करनी है भाई, अरेंजमेंट का सवाल है। चलिए जी बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए अरेंजमेंट का सवाल है जी, बताइए। यहाँ पे देखा, अ कॉमन साइट इज दैट द रोड ऑफ द योगोन एंटीक्वेटेड द कार्स अलोंग साइड सिन्नी एंड व्हीकल्स। आ गया न्यूली बिल्ट हाईवे, भैया बिल्कुल करेक्ट भाई, बी से स्टार्ट होना चाहिए। सिमिलरली द हायरिंग द कंस्ट्रक्टेड ग्लास फ्रंटेड फ्रंटेड, उसके बाद भैया आगे का सेंटेंस है, आगे दे रखा है, योगन अ फेयरली टिपिकल ऑफ द डेवलपिंग सिटी इज द स्टैंडिंग इट डज अ क्रॉस हाईवे। तो भाई यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बी और डी में कॉम्बिनेशन है, यानी बी के बाद डी चाहिए अपन को, ठीक है जी, बी और डी में कॉम्बिनेशन है। उसके बाद आगे पढ़ने का काम करते हैं जी भाई, सी जो है सी बेसिकली बाद में आएगा, उससे पहले कहीं ना कहीं ए आएगा। तो भैया ए और सी ये अपना करेक्ट आंसर है। भैया ढूंढिए कहाँ दे रखा है, भैया बी से स्टार्टिंग नहीं है, नहीं है, नहीं है, करेक्ट आंसर आपका सी फॉर चाइना है, ठीक है जी। करेक्ट आंसर आपका क्या है जी, करेक्ट आंसर आपका सी फॉर चाइना है, सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए जी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, बेसिकली आपको इसके अंदर ग्रामेटिकल एरर बताना है। प्लेंटी ऑफ द पीपल लाइक्स टू द सेलिब्रेट हिज न्यू ईयर ई विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स। बताइए भाई किस पार्ट में आप एरर को मार्क करना चाहेंगे। चलिए मेरे भाई, चलिए प्लेंटी ऑफ पीपल, तो बच्चे यहां पे अगर आप देखेंगे तो प्लेंटी अपने आप में ये भाई प्लूरल को रेफर करता है, तो भैया प्लूरल को रेफर करता है, तो सर यहाँ पे लाइक्स ना कह के आपको सीधा लाइक कहना चाहिए था, ठीक है जी। तो एरर कहीं ना कहीं भाई किसमें हुआ, एरर हुआ आपका बी पार्ट में, ठीक है जी, बी पार्ट में आपका एरर हुआ, तो भैया लाइक कहना चाहिए तो आपका एरर बी पार्ट में होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 बेसिकली ईडीएम का सवाल है, और बताइए। कहता है His guide asked him to pull up his socks if he wanted a good rank. चलिए जी बताइए, यहां पे भाई बेसिकली क्या दे रखा है, pull up his socks, तो यहाँ पे pull up his socks या pull up socks, भाई इसका जो मीनिंग है वो आपको कहीं ना कहीं बताना है 22 के लिए। तो आगे दे रखा है भाई, ड्रेस मोर केयरफुली एंड नीटली, बिल्कुल गलत है जी। गिव अटेंशन टू हिज अपीयरेंस आल्सो, बिल्कुल गलत है। टेक केयर टू बी फॉर्मल, बिल्कुल गलत है। तो मेक अ एफर्ट, ठीक है जी, तो इंप्रूव, यानी करेक्ट आंसर अपना डी फॉर दिल्ली है, ठीक है जी। करेक्ट आंसर क्या है मेरे भाई, करेक्ट आंसर अपना डी फॉर दिल्ली है। अगला देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। यहाँ पे बेसिकली आपको एंटोनियम बताना है भाई, किसका, रेफॉल का, ठीक है जी, रेफॉल का आपको एंटोनियम बताना है। जॉयफुल होगा, रिग्रेट होगा, स्पाइसी होगा या फ्रेग्रेंट होगा। चलिए चलिए मेरे भाई 23 के लिए बताइए, इसका मतलब एक तरीके से हो सकता है ग्लूमी, ठीक है जी, इसका जो मीनिंग है वो कहीं ना कहीं ग्लूमी सैड ऐसे निकलता है, ठीक है ना, ग्लूमी सैड हो सकता है इसका। तो भाई ग्लूमी और सैड का उल्टा अगर आप देखेंगे तो भैया रिग्रेटफुल बिल्कुल गलत है जी, गलत है। करेक्ट आंसर आपका जॉयफुल होगा, ठीक है जी। करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर आपका जॉयफुल होगा, यानी ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आप ए फॉर एप्पल पे टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, अगला देखिए जी, सिनोनियम से पूछा गया सवाल है, ठीक है जी। अगला बेसिकली इसका आपको सिनोनियम बताना है भाई, स्मूथ होगा, क्लीन होगा, रस होगा, हाइजेनिक होगा। चलिए जी 24 के लिए आपको बताना है इसका सिनोनियम। तो स्मूथ भाई बिल्कुल गलत है जी, स्मूथ नहीं हो सकता, क्लीन भी नहीं हो सकता, हाइजेनिक। करेक्ट सिनोनियम इसका सी फॉर चाइना, यानी रस कहना सेंसिबल होगा, ठीक है जी। करेक्ट आंसर क्या होगा जी, रस कहना सेंसिबल होगा, सी फॉर चाइना विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए और बताइए। यहाँ पे भाई इस ईडीएम का आपको मीनिंग बताना है, डाउन टू अर्थ। भैया पुराना सवाल है, पूछा गया है और आप इसको अच्छे तरीके से जानते हैं। वी एंजॉयड वॉचिंग द फिल्म बिकॉज इट वॉज डाउन टू द अर्थ डिपेक्शन ऑफ द मॉडर्न लाइफ। तो भाई बताइए कैसी थी। डाउन टू अर्थ का मतलब क्या होगा, शॉर्ट एंड मीनिंगफुल, या फिर प्लीजिंग एंड एंटरटेनिंग, या फिर फैंसीफुल, या फिर ड्रीम लाइक, या फिर प्रैक्टिकल एंड डायरेक्ट। तो भैया बताइए,
डाउन टू अर्थ का मतलब क्या होता है, जो भैया रियलिटी होती है एज इट इज दिखाया जाता है, मतलब कि अगर एक लड़के को दिखाया गया तो भैया एज इट इज दिखाया जाएगा जैसा वो होता है, जैसे लड़के हरकत करते हैं मतलब बिल्कुल जैसे का तैसा, तो उसे बोलते हैं डाउन टू अर्थ, है ना, उसे क्या बोलते हैं डाउन टू अर्थ। आजकल ये जो वर्ड है काफी ज्यादा मतलब वायरल हो रहा है कि ये जो बंदा है वो डाउन टू अर्थ है, ये जो है ये डाउन टू अर्थ है, तो इस टाइप से ये बंदा काफी ज्यादा मतलब फेमस हो रहा है, मतलब ये जो वर्ड है काफी ज्यादा फेमस चल रहा है आजकल, डाउन टू अर्थ यानी कि प्रैक्टिकल एंड डायरेक्ट। ठीक है जी, करेक्ट आंसर क्या हुआ जी, प्रैक्टिकल एंड डायरेक्ट, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बेसिकली डाउन टू अर्थ। ठीक है जी, कोई जैसे का तैसा हो, ठीक है जी, तो उसे हम बोलते हैं डाउन टू अर्थ बेसिकली। ठीक है जी, तो अपने ये 25 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है जी, अपने कितने क्वेश्चंस भाई हमने डील किए, हमने 25 क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं डील किया है जो कि पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम के अंदर। ठीक है जी, तो भैया ये हमने सवाल को डील किया, अब भाई आगे की जो क्लास होगी उसके अंदर हम आगे का मॉक टेस्ट डील करेंगे। ठीक है जी, तो अपने 25 क्वेश्चंस को भाई यहीं पे हम रोकने का काम करेंगे। ठीक है जी, मिलेंगे भाई अगली क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, और मैंने आपको बताया था कि भाई एक प्रोनाउन का कंप्लीट लेक्चर आपके लिए मतलब क्रिएट किया जा रहा है, वो जल्दी ही जल्दी इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाएगा, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। चलिए बच्चे, इसी के साथ भाई मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टेक यू लीव, मिलता हूं अगले लेसन में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड।